नमस्कार दोस्तों, ENKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी का चैप्टर वाइज टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वह है पर्यायवाची शब्द। देखिए, इससे पहले हम सब इसका पार्ट वन कर चुके हैं, आज इसका हम सब पार्ट टू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 है, इसे बताइए कि मक्खन का पर्यायवाची है। बताइए मक्खन का पर्यायवाची क्या होगा? दधिसार होगा कि माखन होगा कि लौनी होगा कि उपर्युक्त सभी होगा? बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मक्खन का जो पर्यायवाची यहाँ पर सभी होगा यानी उपर्युक्त सभी होगा। तो देखिए, मक्खन का जो पर्यायवाची होता है दधिसार भी होता है, माखन भी होता है, लौनी भी होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 22 से आज का दूसरा प्रश्न, इसे बताइए किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है शशि इंदु रजनीपति, की बी दिया है निशाकर शशांक नवनीत, सी दिया है छपाकर मलय निशानाथ, डी दिया है आफताब राकेश ग्रहण। बताइए कौन सा यहाँ पर समूह है जिसके सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है, बताइए। तो देखिए, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो शशि इंदु रजनीपति, तो देखिए यह सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसने इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है, बताइए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए जलज की अम्बुज की मनसीज की पंकज। देखिए, 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, मनसीज जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो दिया है जलज अम्बुज पंकज ये सभी जो है कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है, बताइए हवा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए वायु नहीं है कि बयार नहीं है कि समीर नहीं है कि ध्वज नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 24 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, हवा का जो पर्यायवाची नहीं होता यहाँ पर ध्वज नहीं होगा, यहाँ पर देखिए हवा का जो पर्यायवाची वायु भी होता है, बयार भी होता है, समीर भी होता है। यहाँ पर देखिए ध्वज हवा का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसने इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दिनकर की रवि की अंशुमाली की यामिनी। देखिए, 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर यामिनी जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी जो दिया है दिनकर रवि अंशुमाली भानु भास्कर यह सभी देखिए सूर्य का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, आप सब इससे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बताइए नीरज की नीरज की अंबुज की अंबुज। तो देखिए, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए नीरज जो दिया है यह बादल का पर्यायवाची है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए गरुड़ध्वज होगा कि नारायण होगा कि चंद्रशेखर होगा कि विश्वंभर होगा, बताइए। तो देखिए, 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, महादेव का जो पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रशेखर होगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 28 है, आपसे बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए रंभा होगा कि हिमकर होगा कि घोटक होगा कि रंध्र होगा। देखिए, 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, हिमकर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों, आपका जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो धन का पर्यायवाची नहीं है। द्रव्य की द्रव की संपदा की दौलत।
तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए द्रव जो है यह धन का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी जो दिया है द्रव्य संपदा दौलत यह सभी धन का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 30 है, बताइए पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय की सूता की आत्मजा की दुहिता। देखिए 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए तनय जो है यह पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी जो दिया है सूता आत्मजा दुहिता यह सभी देखिए पुत्री का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए सरोज की अरविंद की सलिल की पंकज। देखिए 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए सलिल जो दिया है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी जो दिया सरोज अरविंद पंकज यह सभी कमल का पर्यायवाची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 32 है, बताए द्रौपदी का पर्याय नहीं है, बताए द्रुप दसुदा नहीं है कि या गैरसेनी नहीं है कि पांचाली नहीं है कि रमणी नहीं है। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं होता है रमणी नहीं होता है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 33 है, बताइए अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं, बताए अतुल नहीं है कि अनिल नहीं है कि अपूर्व नहीं है कि अनोखा नहीं है। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर देखिए अनिल जो दिया है यह अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, बताइए कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती है कि लक्ष्मी है कि गंगा है कि यमुना। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालिंदी का जो पर्यायवाची होगा यमुना होगा। तो यहाँ पर देखिए 34 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 35 है, बताइए तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य होगा कि नाव होगा कि युवती होगा कि नदी होगा, बताइए। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द होगा नाव होगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 36 है, इसे बताइए मीन का पर्यायवाची शब्द है, बताइए सीखी होगा कि सापक होगा कि विभावरी होगा कि मत्स्य होगा। देखिए 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य होता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 37 से बताए अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, बताइए स्वर्गीय होगा कि लौकिक होगा कि पार्थिव होगा कि अद्वितीय होगा। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द होगा अद्वितीय होगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न दिया है इंद्र के पर्यायवाची शब्दों के समूह है, बताइए वैनतेय है कि चंद्रमौली होगा कि सूर्यपति की देवराज कि मघवा होगा कि पुरंदर कि सचिवपति की वासव कि सूर्यपति होगा कि पुरंदर होगा कि उपेंद्र होगा कि अंशुमाली कि वैनतेय होगा कि मधवा कि सूर्यपति होगा कि वासव होगा, बताइए। देखिए 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का जो समूह होगा यहाँ पर देखिए मघवा होगा पुरंदर होगा सचिवपति होगा वासव होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 39 से बताए कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, बताइए अनंग की अतनु की कदर्प की अरविंद। तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरविंद जो शब्द दिया है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा, यह देखिए अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची होता है, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए मेघ नहीं है कि पयोध नहीं है कि घड़ नहीं है कि अंबुज नहीं है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देखिए अंबुज जो शब्द है यह वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह जरूर बताएगा कि आपका आज 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।